इजाजत नहीं दी जाएगी। अब होम मिनिस्टर साहब अपनी बात करना चाहेंगे। मित्रों, जैसा महुआ जी ने बतलाया आपको, जब से कश्मीर वैली में यह क्राइसिस पैदा हुई है, मैं दूसरी बार कश्मीर कल आया हूं और यहां पर मोर देन 20 डेलीगेशंस के साथ हमारी भेंट हुई है, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं समझता हूं कि लगभग सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने डेलीगेशंस बातचीत करने के लिए भेजे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत बहुत ही अच्छी रही है। सभी यह चाहते हैं कि कश्मीर वैली में अमन अमान के हालात कायम हों, सबकी इच्छा है। मैंने भी सभी से पूरी तरह से सहयोग करने की अपील की है। मिलने वालों की संख्या के बारे में भी मैं कहूं तो वह लगभग 300 के आसपास लोग कल से लेकर आज तक मुझसे मिले हैं और उनसे मैंने चर्चा की है। जो भी कश्मीर वैली के हालात हैं उसको लेकर हम लोग भी बेहद दुखी हैं। इसीलिए कल आते ही मैंने अपनी तरफ से ट्वीट किया था और कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में मैं बात करने के लिए यहां पर आया हूं। जो भी बात करना चाहते हैं मैं उनका स्वागत करूंगा। जब कभी चाहे कोई कश्मीर का कोई नौजवान मारा जाता है अथवा हमारा सिक्योरिटी फोर्स का भी कोई नौजवान मारा जाता है तो उससे हम सबको बेहद तकलीफ होती है। केवल कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही तकलीफ नहीं होती है बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले सारे लोगों को तकलीफ होती है। क्या हम ऐसे हालात से इस कश्मीर को बाहर नहीं निकाल सकते? मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूं, कश्मीर के रहने वाले सभी बहनों भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे कश्मीर के रहने वाले जवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें। पहले भी मैं कह चुका हूं, छोटे छोटे बच्चे, 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उन्हें इजाजत देते हैं पत्थर उठाने की? क्या उन बच्चों के भविष्य की को बनाने की गारंटी वह दे सकते हैं? हम कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर को हिंदुस्तान के बच्चों के नौजवानों के फ्यूचर के साथ जोड़कर देखते हैं। और मैं कश्मीर के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा करने की जिन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है उन्हें आइडेंटिफाई करें। कुछ हमारे जो नौजवान किन्हीं कारणों से बहकावे में आकर यदि हाथ में पत्थर उठाते हैं तो ऐसे नौजवानों को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं। कश्मीर के फ्यूचर को हम हिंदुस्तान के फ्यूचर से अलग रखकर कदापि नहीं सोच सकते। हम हिंदुस्तान का फ्यूचर यदि बनाना चाहते हैं तो कश्मीर का फ्यूचर नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान का भी फ्यूचर नहीं बन सकता। मैं समझता हूं पहली बार ऐसा हुआ होगा
कि कश्मीर वैली में ऐसे हालात पैदा होने के बाद एक महीने के अंदर भारत सरकार का गृह मंत्री दो बार आया हो। हम सबके दिल की पीड़ा क्या है इसका एहसास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मैंने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा जी से यह कहा है, आल पार्टी डेलीगेशन भी हम लाना चाहते हैं यहां पर और उसके लिए पूरी तैयारी यहां पर की जानी चाहिए ताकि आल पार्टी डेलीगेशन भी आकर यहां लोगों के साथ बातचीत कर सके। राशिद बात कीजिए, बात करने दीजिए थोड़ी अंदर। पेलट गन का जहां तक सवाल है उसके बारे में जब मैं पिछली बार आया था मैंने कहा कि मैंने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है और एक्सपर्ट्स कमेटी दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, एक महीने पूरे हुए हैं, विद इन 2-4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पेलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। पहले यह माना गया था 2010 में कि पेलेट गन ही एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। वैसे अपने सुरक्षा के जवानों से भी हम लोगों ने कहा है जितना अधिक से अधिक हो सके वह रेस्ट्रेंट बरतें, और मुझे जानकारी मिली है कि वह रेस्ट्रेंट बरत भी रहे हैं। लगभग सुरक्षा के जवान भी लगभग मोर देन 4,500 वह भी इंजर्ड हुए हैं। लेकिन मैं यहां के लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि न भूलें कि इन्हीं सुरक्षा के जवानों ने जिस समय यहां पर बाढ़ के हालात जब यहां पैदा हुए थे तो उस समय भी किस तरीके से उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि आज के 2-3 दिन पहले मैंने लखनऊ से हिंदुस्तान के सारे नौजवानों से भी अपील की कि हमारा कश्मीर का कोई नौजवान हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता हो, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, उसकी हिफाजत करना, उसका मान सम्मान करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, यह हर हिंदुस्तान के नौजवान की जिम्मेदारी है। उसे अपना भाई समझें, अपना अपने परिवार का सदस्य समझें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी वेदना व्यक्त की है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है और कश्मीर को लेकर वह बराबर मुझसे चर्चा करते रहते हैं। कश्मीर का हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अभी हाल में ही कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है उसकी एक बटालियन का रिक्रूटमेंट यहां से होना चाहिए। यह डिसीजन हाल में ही लिया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने भी 10,000 एसपीओस की भर्ती होगी। इतने कम समय में मैं समझता हूं कि देश के किसी राज्य ने फैसला नहीं किया होगा, आगे भी कुछ हम स्टेप्स लेंगे।